नमस्कार सभी को। और आज हम ये क्वेश्चन करेंगे जो कि फिटजी एडवांस रिव्यू पैकेज 1 का है। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 28 ऑफ सब्जेक्टिव टाइप, ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, सिंगल करेक्ट। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस इज रैप्ड अराउंड सेवरल टाइम्स अराउंड ए सॉलिड सिलेंडर में रैप कर रखा है रस्सी को, विच कैप्ट ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है। ए मैन एग्जर्टेड फोर्स एफ थ्रू द स्ट्रिंग, मैन ने फोर्स लगाई। And slowly roll the cylinder up through a vertical height h, the work done by the man. तो इसको इसने उठा के ऊपर ले गया और वर्टिकली इसने इसको h height तक लिफ्ट करा दिया। सो कितना आदमी ने काम किया हुआ निकालना है। तो पहले ये देख लेते हैं कि भाई इस प्रोसेस में जो वर्टिकल लिफ्ट किया है इसने सेंटर ऑफ मास ने, तो सेंटर ऑफ मास इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग कितना आगे गया हुआ, उसको मान लेता हूँ एक्स। ये एंगल 30 है, सो आई कैन राइट कि भाई एक्स साइन 30 मस्ट बी इक्वल टू एच होगा, x इक्वल टू आ जाएगा 2h। अब हमको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई बॉडी रोल कर रही है ग्राउंड पे, फिक्स ग्राउंड पे, तो अगर सेंटर ऑफ मास की स्पीड v है, इस पॉइंट की स्पीड होती है v प्लस r ओमेगा, और v इक्वल टू r ओमेगा होता है फॉर नो स्लिपिंग, बिकॉज़ ये स्लिपिंग नहीं कर रहा कुछ भी। सो हम बोल सकते हैं कि भाई v इक्वल टू r ओमेगा, तो टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड जो 2v होती है, डबल स्पीड होती है। दैट मींस कि जब ये इंक्लाइंड प्लेन पे रोल करेगा, तो अगर ये वाला पॉइंट यहाँ से कुछ x ट्रेवल कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ से ट्रेवल कुछ यहाँ पहुंचने में 2x करेगा। ये आपको लग रहा है कि सीधा जा रहा है, एक्चुअल में ये पॉइंट सीधा ट्रेवल कर नहीं रहा होगा, सो ये 2x कुछ ट्रेवल करेगा। तो अगर मैं वर्क डन बाय फोर्स निकालूं, सो दिस इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये 2x है, तो फोर्स x की वैल्यू 2h है, दिस इज इक्वल टू 4h, एंड दिस इज वर्क डन बाय फोर्स f इंटू 4h, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो आई बिलीव कि आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर होगा, तो प्लीज हर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें नहीं कर रखा तो, और धन्यवाद।